कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण की आखिरी और पांचवें दिन 35 अस्पतालों के 41 बूथों पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड शील्ड और जिले के नए 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें जिले में कुल 35 अस्पतालों के 41 बूथों पर 3,270 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में 1,073 पुरुष और 2,023 महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 70% स्वास्थ्य कर्मियों का आज टीकाकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का भी टीकाकरण किया गया, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बृहस्पतिवार को हुए टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया है। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज 35 साइट से में 41 बूथों पर टीकाकरण हुआ है। लगभग हमारी टारगेट हमारा था 3578 का टारगेट था, लगना था। अभी तक जो है 3229 लोगों को लग गया है। 2 साइट पर अभी टीकाकरण चल रहा है। एक हॉस्पिटल सावित्री प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां की अभी लोग हैं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी अभी टीकाकरण जारी है। अभी तक जो है हम 71% अचीव कर लिए। सर, कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है? कोवैक्सीन जो है 2 हॉस्पिटल में पहले भी लगाई गई थी, रेलवे हॉस्पिटल और एम्स में, तो दोनों जगह कोवैक्सीन चल रही है। सर, कल जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय का भी टीकाकरण होना ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, 5 तारीख को कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी टीकाकरण होना है। हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी होना है, जिसमें कुछ लोगों को टीकाकरण लगेगा। एक बूथ जो है कमिश्नर कार्यालय में बनाया गया है, वहाँ करीब 125 लोगों को लगने का है। और कुछ कमिश्नर और डीएम और डीआईजी और नगर आयुक्त अधिकारी लोग जो हैं यहाँ जिला अस्पताल में टीकाकरण कराएंगे। नहीं, किसी तरह का कोई रिएक्शन, बहुत सफलतापूर्वक संचालित हुआ। हालांकि हमारी टीमें सब लगी हुई थी, सब AFI किट्स वगैरह के साथ में डॉक्टर्स मौजूद थे, और पूर्व की भांति जितने भी साइट में सेशन हमारे चले हैं, सब में किसी में भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। आज भी किसी तरह की किसी को भी परेशानी नहीं हुई। सर, ये आज प्रथम चरण का आखिरी चक्कर था या इसके बाद ही कोई? आज हेल्थ वर्कर का आखिरी चरण है। कल भी पार्शली, कल जो है 24 बूथों पर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य लोगों का कार्यकर्ताओं का टीका लगेगा, साथ साथ में फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी उस जगहों पर लगेगा।